कैसे हो आप लोग, खूब सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल नित्तू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। तो अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने। तो आज हमारे गांव में श्राद्ध है, पार्वती की दादी का श्राद्ध। तो उनके यहाँ आज खाना खाने जा रहे हैं, भात उन्हीं के यहाँ आज सबके लिए। तो वहीं जा रहे हैं और सब लोग चले गए, भाभी लोग बस हमें छोड़ गए। और हम इसलिए छोड़े पीछे कि गुल्लू आई है हमारे साथ ऊपर, उसकी मम्मी और दादी अभी नहीं आए हैं तो उसी के साथ थे हम। तो थोड़ी देर में आते होंगे वो, हमने फिलहाल वो चाची के साथ रखी है, बड़ी चाची के साथ। तो हम भी चलते हैं और ये हमारी पूरी पतनखोरी की टीम आ गई। चलो आगे। और ये डिब्बा भी ले जा रखा है हमने। तो ईसा और साक्षी कॉलेज जा रखे हैं तो उनको आने में थोड़ा लेट हो जाएगी, तो उनको भी हम घर ही लाएंगे, शाम तक आएंगे वो, तो भूख से परेशान हो जाएंगे तो उनके लिए घर ही लाना है। तो चलो दोस्तों वहीं पे मिलते हैं आपको। और दोस्तों आज एक दिक्कत हो गई। तो आज मेरी चाची देखो कैसे सुस्त हो रही है। तो मेरी चाची की तबीयत ख़राब होगी, आज बुखार आ गए हैं और थोड़ी देर में पोखरी भी जाना है, जुकाम बुखार होगी। तो वैसे चाची मना कर रही है लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ कि चल मैं ले जाऊँगी तुझे वहाँ तक, है ना। हाँ तेल के लिए नहीं उठाता। तो दोस्तों खाना खा के हम आगे, और ना यहाँ पे ये बदमाश भी है तो ये सोने ही नहीं दे रही, परेशान कर रही मुझे। हाय करो, हाय। आजा। तो ये सोने नहीं दे रही, ये परेशान कर रही है बुआ को। परेशान? अच्छा ये देखो नाटक कर रही है कि मुझे मार रही है। कुमाना कुमाना केल मार। तो दोस्तों अभी मैं और मेरी चाची आई हैं बगीचे में। तो मेरी चाची घास निकाल रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ छाया में, आनंद ले रही। तो ये मेरी चाची घास निकाल रही है और मैं यहाँ छाया में बैठी हूँ क्योंकि बहुत धूप हो रही है अभी। और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मतलब मुझे सर दर्द, बुखार, जुकाम ऐसा कुछ हो रहा। तो ऐसा लग रहा मुझे कि बुखार आने वाले हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और चाची लगी है अपने कामों में तो मैं यहाँ से इधर का आनंद भी ले रही देखो। तो ये मतलब ये जो पहाड़ी दिख रही है सामने पे, तो ये हमारे गांव के ठीक सामने है, हमारे घर के सामने। तो ये जो उधर से सड़क जा रही है वो देखो, ये जो जा रही है तो ये जा रही है गोपेश्वर के लिए, यहाँ से हापला होके और फिर वहाँ से जाती है गोपेश्वर को। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ये सामने पे, ये वाली, तो इसके ठीक पीछे गोपेश्वर है, इसके हाँ इसके पीछे। तो इसी का आनंद ले रही हूँ मैं इधर से। और ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल। घास हो गया, चाची ने घास निकाल दिया है और अब हम भी घर चलते हैं। और ना मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो घर चलते हैं और सो जाते हैं। चलो दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो ये लग रही है घास की भारी, और ज़्यादा नहीं निकाले हैं, कम ही निकाले हैं, तीन पुली। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ खाना खाने। तो वहाँ से हम ऊपर आ गए जहाँ पे मैं अभी तक बैठी थी। तो अब मैं यहाँ पे आई सोने के लिए आई थी, लेकिन ईसा तब तक यहाँ पे खाना खा रही, तो मुझे लगा थोड़ा मैं भी खाती हूँ। वैसे मैंने खा लिया पर थोड़ा एक दो बाइट फिर से खाती हूँ, मन कर रहा है इसके साथ खाने का। तो ये खाना खा रही है, साथ ही में इसके सीरियल भी लगे हैं,
तो चलो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी बहुत ही तेज हवा हो रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों हो रही, तो मैं ऐसे इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज सब मंडुए की मनाई कर रहे हैं चौक में, सभी दोनों चाची ताई सब लोग, और मुझे जुकाम भी हो रहा है उस वजह से भी मैंने ऐसे करके, और उसकी धूल पूरे मुँह में जा रही इसलिए ऐसा कर रहा है, और बहुत तेज हवा हो रही आज, तो ये सब लगे हैं और हवा से ना पूरा मुँह में जा रहा। तो ये लगे हैं और कुछ उधर पे, तो पूरी चौक में धूल से कैसा उड़का। और ये जा रहा है चक्की में, चक्की में जाओ ना, हाँ चल छुट्टा गट। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे के साइड यानी कि छत के साइड, क्योंकि ऊपर चौक में ना धूल ही धूल हो रही है, और मेरे ना अभी सुबह तो ठीक थी फिर भी, लेकिन अभी मेरी हालत डाउन हो गई है, पूरे मेरे गले में दर्द जुकाम सर भारी हो रहा, तो उधर के साइड रहना ठीक नहीं है अभी, और हवा की वजह से भी मुझे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मुझे नींद भी नहीं आ रही और अजीब सी बेचैनी टाइप की हो रही, पता नहीं क्यों आजकल ना मेरे दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा पता नहीं क्यों। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और आज मौसम बारिश के लिए हो रखा है, तो आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन उधर के साइड वो ऊपर के साइड तो वहाँ बारिश लगी है, यहाँ से दिख रहा है, और इधर भी आ भी सकती है बारिश, नहीं भी आ सकती, तो मौसम आज बहुत बेकार हुआ है। इधर के साइड तो फिर भी ठीक है लेकिन इधर को बेकार है, और इधर की बारिश ही यहाँ आती है जल्दी, ये तुंगनाथ घाटी वाली।